हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। यह एक एजुकेशनल चैनल है और आज मैं लाया हूँ मैथ्स क्लास 12th चैप्टर डिटर्मिनांट। इसमें फर्स्ट पार्ट बन चुकी है और उसमें क्वेश्चन कुछ करवाए हैं जिससे आपको समझ में आए। बेसिकली मैं आज फिर क्वेश्चन लाया हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको डिटर्मिनांट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए अब हम प्रूफ करने के लिए करेंगे कि हम जो डिटर्मिनांट हमें दिया होता है, हमें आरएचएस में उसे निकालना होता है, सेम वैल्यू लाना पड़ता है, तो हम कैसे लाते हैं वो मैं बताता हूँ। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हो ये वाली यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये मतलब मॉड के अंदर ये डिटर्मिनांट दिया है हमें, ठीक है। और हमें लाना है कुछ इस टर्म में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए ये बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी की देता हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड सबसे ज़्यादा इन्हीं में से आता है क्वेश्चन। तो चलिए डेल्टा हमने माना, ठीक है, डेल्टा इक्वल ये वैल्यू माना, फिर हम इस पर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव यही होता है इसमें कि हम किसी भी तरह हम दो वन लाने, कहीं भी यहाँ पे नाइन्थ पोजीशन है यहाँ पे, तो नाइन्थ पोजीशन में से कहीं भी दो जगह पे अगर हमने वन ला लिया एक ही कॉलम में या एक ही रो में, तब हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हमने ऑपरेशन लिया आर टू इक्वल आर टू माइनस आर वन, मतलब जो रो है सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो से माइनस करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहिए, अभी समझते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस किया और फिर रो थर्ड को हमने रो वन से माइनस किया, ठीक है। देखिए माइनस करने पे हमें मिला क्या, पहले रो सेकेंड को हमने रो वन से माइनस किया तो यहाँ पे वाई था और यहाँ पे एक्स था, तो क्या होगा, हमने एक्स को यहाँ पे लाया, ठीक है, वाई माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा माइनस में, तो ये देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए जेड एक्स माइनस वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स है ना और ऊपर वाई जेड है, तो ऊपर से नीचे लाया क्योंकि हमने सेकेंड रो की बात की थी। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो जेड एक्स माइनस वाई जेड, अगर हमने यहाँ पे आर टू लिया है, सेकेंड रो लिया, तो हमें सेकेंड रो में ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आर टू है तो आर टू से ही स्टार्ट होगा। तो देखिए हमारे इसके बाद ये आया, फिर हम रो थर्ड को माइनस किया रो वन से, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जेड है, तो ये देखिए जेड माइनस एक्स हुआ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे इससे कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने रो थर्ड लिखा है, ठीक है, थर्ड रो लिखा है, थर्ड रो को हमें थर्ड वन से माइनस करना है, तो ये थर्ड रो कौन सा है, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई है, तो हमने माइनस करना है किससे, ये ऊपर वाले से, तो एक्स है यहाँ पे आया माइनस में, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए फिर हमें लाना क्या है, एक्स वाई लाना है, ठीक है, हमें एक्स वाई लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई माइनस एक्स है, तो हमें एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये ऊपर वाले तो सेम लिखा, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, रो वन का सेम लिखा, फिर यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई लिखा, जब एक्स माइनस वाई लिखा तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और इसमें भी हमने माइनस सेम ऐसे ही किया क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एट नाइन्थ में पढ़ा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होता है ना, तो यहाँ पे भी यही सेम अप्लाई हुआ, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखिए इनमें कॉमन लिया हमने जेड, जेड कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई बचा हमें, फिर यहाँ पे सेम यही रहेगा, सेम ऐसे करने हमें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, रो सेकेंड में ये हर जगह पे है, ठीक है, रो थर्ड में भी देखिए जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, यहाँ भी
रो थर्ड में सेम है, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचा ये है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन लिया तो माइनस वन बचा और यहाँ पे वन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 या 6 मार्क्स में मिलेगा, ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मिला, फिर हमने फिर से ऑपरेशन लाया क्योंकि हमें कुछ, हमें मैंने बताया कि हमें वन लाना है, ठीक है। हमें वन लाने पे हमेशा हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम वन लाए, किसी तरह दो जगह पे वन आ जाए, रो वन या रो टू या रो थ्री या कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, हमारे पास 6 ऑप्शन है, कहीं भी 2 1 आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ईजी हो जाएंगे, ठीक। कॉमन लिया, फिर इसके बाद ये बचा, फिर हमने ऑपरेशन लगाया आर थ्री को, मतलब सेकेंड थर्ड रो को हमने थर्ड रो को हमने सेकेंड रो से प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस वन था और ये वन था, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स माइनस वाई और जेड प्लस एक्स, तो इसे प्लस कर दिया। अभी देखिए एक्स माइनस एक्स कट गए और जेड माइनस वाई बचा हमारे पास, यहाँ भी सेम जेड माइनस वाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जेड माइनस वाई कॉमन है ना कॉमन, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये बचा। इसके बाद देखिए 2 1 आ गए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसे अब एक्सपेंड करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो थर्ड रो, ठीक है। तो हमने जो कॉमन लिए थे वो तो वही है। फिर देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया माइनस वन, ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस वन लिया, तो माइनस वन पे ये आए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने अब पूछोगे माइनस वन ये आया कैसे, तो मैंने फर्स्ट इसके पहले जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था, इस पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है माइनस वन, फिर इसकी वैल्यू हमने लिखा, ठीक है। आपने पार्ट वन देख रखा है तो सही है, समझ में आएगी। फिर मैंने यहाँ पे वन लिया, तो ये वाली जो है ये ना जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये वाली नहीं आएगी, और साथ में ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, जेड एक्स बचा और ये माइनस वन और वाई जेड बचा, ठीक है। हमने ये लिखा बिल्कुल सेम, उसमें भी यही किया। फिर इसके बाद हमने ये कॉमन था तो कॉमन रहने दिया, फिर हमने इसे सॉल्व किया जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये इधर एक्स जेड बन गया, ठीक है, और ये माइनस वाई जेड बन गया, ठीक है। तो ये हमने लिखा, फिर इसके बाद हमने भी ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डायगोनल की तरह हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्लस में है तो इसके अंदर वाले जो है ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, इसे सॉल्व करने के बाद ये आया। अब ये हमारा यही प्रूव करने का था, ठीक है। इस पर क्या है, आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 - x³ x^3 है यहाँ पे और होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें ये लाना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा जो भी हम इसमें सॉल्व करने का होता है ना, पहले हम RHS देखते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, उसी की फिर हेल्प से हम बनाते हैं। यहाँ 1 - x³ है तो हमें ऐसा कुछ लाना पड़ेगा, तो चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया इन सबको एक साथ प्लस कर दिया, रो फर्स्ट रो में हमने प्लस कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेशन R1 को लिखा R1 + R2 + R3 प्लस किया, तो ये देखिए 1 + x² ये हुआ, हमने इसको इससे प्लस किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो हमारे पास ऊपर में ये बचा। अब सेम आ गए ये ऊपर वाले, अब इन्हें कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो कॉमन लिया यहाँ पे, कॉमन लिया, फिर बचे जो हमारे पास 1 1 1 बचे। अब हमें मैंने क्या कहा कि बस हमें किसी भी तरह 1 1 लाना होता है, 1 1 आ गया हमारे पास, अब हम माइनस करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कॉलम का लेंगे, ठीक है, हम इसमें रो और कॉलम साथ में ले सकते हैं, तो C2 का लिया, C2 मतलब सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से हमने माइनस किया, ये जो है ना सेकंड कॉलम, इसको हमने फर्स्ट कॉलम से माइनस किया,
ठीक है, तो ये तो एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। अब इसमें 1 माइनस 1 जीरो, और यहाँ पे 1 है और एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है इधर आके माइनस, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर आपको समझ में आएगा। और हमने बिल्कुल सेम किया कॉलम थर्ड के साथ, ठीक है, कॉलम थर्ड को कॉलम वन से माइनस किया, तब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस में आ गया, ये एक्स है माइनस आ गया इधर आके, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ कॉमन है, ठीक है, कुछ यहाँ पे कॉमन है, तो चलिए इसके आगे हम करते हैं। हमने कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ से हमने 1 माइनस एक्स लिया, हमने इसमें से 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, हमने इससे ये किया, यहाँ से कॉमन लिया x, ठीक है, x माइनस वन बचा हमारे पास, और यहाँ भी हमने ऐसे ही कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद फिर से हमने इनमें से कॉमन लिया, ठीक है, ठीक, कॉलम से हमने कॉमन लिया, इनसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचा। इसमें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई हुआ यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, और यहाँ भी हमने कॉमन लिया है, ठीक है, और यहाँ भी हमने कॉमन लिया x, दोनों पास कॉमन लिया, और ये, तो इसके बाद कॉमन लेने के बाद हमारे पास दोनों पास 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है, और ऊपर तो जीरो आ गए थे। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स और ये, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो तीनों है ना, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स क्यूब का फार्मूला होता है, तो हमने बिल्कुल सेम यही लिखा, और 1 माइनस एक्स बचा हुआ है अभी, और अब हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 बचा है, यहाँ पे इस रो में सिर्फ 1 ही बचा है, तो अब हमें इसका आगे एक्सपेंड करने में ईजी होगा, तो ये 1 के जरिए हमने किया, तो यहाँ पे 1 देखिए, यहाँ 1 लिखा है, सेम लिखने के बाद 1 है, तो 1 के बाद इसे हम काउंट नहीं करेंगे ना, हाँ इसे देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे तो इन्हें 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स और 1 को, तो हमने सेम लिखा। फिर इसके बाद हमने डिटर्मिनाट के यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे किया, इसके बाद हमारे पास यह है। अब ये भी एक तरह से वही सेम चीज़ें आ गई, फॉर्मूला आ गया, तो 1 माइनस एक्स क्यूब 2 बार है तो पावर आ गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है, और बच्चे ज़्यादातर इसमें गलती कर देते हैं, ऑपरेशन सही से लगा नहीं पाते, ठीक है। तो चलिए हम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें लाना क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है हमें, होल क्यूब मतलब आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको 3 बार लाने पड़ेंगे, पता चल गया, चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, लेकिन हर जगह पे नहीं है, है ना, ये अलग अलग है, कहीं माइनस यहाँ पे है, ए पे है, कहीं किसी और पे है, ठीक है, यहाँ पे प्लस भी है 1 प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए देखिए ऑपरेशन लगाया मैंने, फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो को हमने प्लस किया थर्ड रो से, इन थर्ड रो को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेकेंड रो को हमने थर्ड रो से माइनस किया, और साथ में ए से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगी, ये ऑपरेशन आपको बस लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद अगर आप अपने नोटबुक में खुद करेंगे तो अब आपको यही सेम मिलेगा, ठीक है, आपको खुद मिलेगा। अगर आप ऐसा देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रो वन को हमने फर्स्ट रो को बी से मल्टीप्लाई किया और साथ में प्लस, अभी देखिए रो थर्ड कौन सा है, ये वाला है ना, बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई हो गया सभी से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2b² आ गया, और 2b² को हमने इससे प्लस किया, तो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे देखिए ए बी था, ठीक है, माइनस 2ab भी था, अब ये उसके साथ प्लस हुआ r1 के साथ, फर्स्ट रो के साथ, तो ये जीरो आ गया। यहाँ भी हमने ऐसे किया तो हमारे पास ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस b हमने कॉमन लिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड रो को हमने
थर्ड रो से किया माइनस किया, लेकिन साथ में थर्ड रो को हमने ए से मल्टीप्लाई भी किया। तो यहाँ पे देखिए 2 है और ए से सभी से मल्टीप्लाई किया तो 2 ए भी आ गया, 2 ए भी को इनमें से माइनस किया तो 0 आ गया, सेम सेम थे, यहाँ भी माइनस 2 ए भी, तो हमारे पास ये बचा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर बचा था ना, तो ए स्क्वायर उसमें से माइनस हुआ तो ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम मतलब यही, और थर्ड रो को एज इट इज सेम लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और सेकेंड रो फर्स्ट रो दोनों में है, तो हमने कॉमन लिया तो स्क्वायर आ गई, क्योंकि दोनों रो में है तो हमने कॉमन लिया, तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये बचा। अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम इसे एक्सपेंड करेंगे रो वन के थ्रू, रो वन के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे, तो वन से और बी से हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो हमने कॉमन लिया तो ये था, वन लिया और वन के बाद जैसा हमने सभी में किया वैसे वन और माइनस बी से लेके हम ऐसा करेंगे, करने के बाद हमारे पास ये बचेंगे। और फिर इसमें से डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे पहले, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, करने के बाद ये सेम आ जाएगा, तो इसकी पावर ऐसे आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे ऐसे ही। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, और इसके सिवा अगर आप दूसरा मेथड ट्राई करो तो ज़्यादातर मोस्टली आपको गलत आंसर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।